मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को हम टी मान लेते हैं, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx = हो जाएगा dt। तो x² dx = हो जाएगा dt/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल, और ये हो जाएगा e की पावर t और dt। ये हमारा हो जाएगा 1/3 e की पावर t एंड 1/3 e की पावर t की जगह पर रखेंगे x क्यूब प्लस कांस्टेंट, बस ये हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है देखा जाए, तो ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन।